A very good morning, students. I am your teacher. Today, I will teach you English. Now, I am going to take up chapter 1. I meant to do my work today. मुझे आज अपना काम करना है. Okay, चलिए start करते हैं. I meant to do my work today, but a brown bird sang in the apple tree. And a butterfly flitted across the field, and all the leaves were calling me. I meant to do my work today. मुझे आज अपना काम करना है, but a brown bird sang in the apple tree. लेकिन एक brown bird, यानी कि एक भूरे रंग की चिड़िया, bird means चिड़िया, apple tree पर, apple tree means सेब का पेड़, उस पर गा रही थी. एक ब्राउन कलर की बर्ड पेड़ पर गा रही थी, एप्पल ट्री पर गा रही थी. एंड अ बटरफ्लाई फ्लिटेड अक्रॉस द फील्ड, और बटरफ्लाई उस फील्ड पर, वहाँ पर घूम रही है, उड़ रही है वहाँ पर. एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी, और सारी लीव्स, सारी पत्तियाँ मुझे बुला रही हैं. And the wind went sighing over the land, tossing the grasses to and fro, and a rainbow held out its shining hand. So what could I do but laugh and go? चलिए देखते हैं. And the wind went sighing over the land. हवा जमीन के ऊपर से जा रही थी. Tossing the grasses to and fro, और जो ग्रास है, ग्रास मीन्स घास, वो अपनी जगह पर ही इधर उधर हो रही थी. एंड अ रेनबो हेल्ड आउट्स इट्स शाइनिंग हैंड, और जो रेनबो है, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष. इंद्रधनुष कैसा दिखता है, ऐसा ही लगता है ना, जैसे कि आसमान से किसी ने अपना हाथ बाहर निकाला हो, एकदम शाइन चमकता हुआ, तो वैसा ही लग रहा था कि जैसे वो रेनबो ने अपना शाइनिंग हैंड बाहर निकाला हो. सो वॉट कुड आई डू बट लाफ एंड गो, तो अब मैं क्या करूँ, हंसूँ, उसको देखकर हंसूँ या फिर जाऊँ. ओके, चलिए इसको हम एक बार और रीड करते हैं. आई मेंट टू डू माई वर्क टूडे, बट अ ब्राउन बर्ड sang in the apple tree, and a butterfly flitted across the field, and all the leaves were calling me, and the wind went sighing over the land, tossing the grasses to and fro, and the rainbow held out its shining hand. So what could I do but laugh and go? ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी पोइम है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है आर ली गैलिन. किसने लिखी है, आर ली गैलिन. ओके स्टूडेंट्स, फिर जो आज मैंने आपको पोइम करवाई है, ये आपको रीड करनी है और आपको इसको समझना भी है. ओके आज हम करेंगे इसके बाद वर्ड बास्केट. इसमें फर्स्ट नंबर है फ्लिटेड. फ्लिटेड मीन्स फ्ल्यू, लाइटली मीन्स धीरे धीरे उड़ना. ओके, फ्लिटेड मीन्स फ्ल्यू, लाइटली मीन्स फ्ल्यू मीन्स उड़ना, ये फ्लाई का फॉर्म होता है, और लाइटली मीन्स धीरे. नेक्स्ट इज लीव्स. लीव्स मीन्स पत्तियाँ. ओके, और इसका क्या दिया हुआ है, प्लूरल ऑफ लीफ. ये किसका प्लूरल होता है, लीफ का प्लूरल होता है. लीफ मींस पत्ते. टू एंड फ्रो, नेक्स्ट इज टू एंड फ्रो. इसका क्या होता है, इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन. पहले एक डायरेक्शन में, फिर उसके बाद उसके दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी तरफ, एक तरफ देन उसके दूसरी तरफ. ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड बास्केट आपको आपका चैप्टर का नेम मेंशन करके उसके नीचे ये लिखना है. ये 3 आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये आपको नोट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में.
एक साइड लिखेंगे आप वर्ड और दूसरी साइड लिखेंगे उसका मीनिंग. जस्ट लाइक है पहले फ्लिटेड, तो आप फ्लिटेड लिखेंगे, उसके फिर दूसरी साइड लिखेंगे फ्ल्यू लाइटली, उसके नीचे लिखेंगे लीव्स, लीव्स के सामने लिखेंगे प्लूरल ऑफ लीव, देन उसके नीचे लिखेंगे आप टू एंड फ्रो, उसके सामने लिखेंगे इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है. आपको ये पोएम रीड करनी है और साथ में ये वर्ड बास्केट जो दिया हुआ है इसको भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है. ओके, थैंक यू सो मच.